हम लोग बढ़ते हैं हमारे दूसरे एल्गोरिदम में। आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, देखिए यहाँ पे इसका प्रोग्राम मैंने लिया था, पहला सेकंड लेक्चर में मैंने इसका प्रोग्राम लिया था, लार्जेस्ट अमंग थ्री। लार्जेस्ट अमंग थ्री मतलब यूजर से तीन नंबर मांगने का, वो तीन नंबर में से कौन सा वो लार्जेस्ट नंबर है उसको आपको प्रिंट करना है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप स्टार्ट आएगा और लास्ट ऑफ लास्ट वाला स्टेप हमारा स्टॉप आएगा, ये तो कंफर्म है। अब क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे हमारा तुरंत एल्गोरिदम का सेकंड स्टेप क्या रहना चाहिए, डिक्लेयर वेरिएबल। सो हमने तीन वेरिएबल्स यूजर से मांगने हैं, तो ए बी और सी, तो मैंने बोला डिक्लेयर वेरिएबल ए बी एंड सी। अब यूजर से वेरिएबल को डिक्लेयर किया, अब यूजर से वैल्यू लेना है, तो सेकंड स्टेप हमारा क्या रहेगा, रीड वेरिएबल ए बी एंड सी। तो रीड मतलब यूजर से उसके अंदर वैल्यूज मांग लो, वो ए का एक वैल्यू देगा, बी का देगा, सी का देगा। इसके बाद में क्या कंडीशन देखो, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, लॉजिक देखो, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड इफ ए इज ग्रेटर देन सी, मतलब ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, तो क्या बोलते हैं, डिस्प्ले ए इज लार्जेस्ट नंबर। समझ में आता है क्या, अगर मेरा ए बी से बड़ा है कंडीशन ट्रू हो गया, और अगर मेरा ए सी से भी बड़ा है ये भी कंडीशन ट्रू हो गया, मतलब क्या है, ए मेरा लार्जेस्ट है। एल्स क्या लिखने का, डिस्प्ले सी इज लार्जेस्ट नंबर एल्स बी इज लार्जेस्ट नंबर। देखो दोस्तों यहां पे इसको ना और इजी तरीके से बताता हूं, ये एक्चुअली कोई बुक का आंसर लिखा हुआ है। इसका स्टेप कैसा आएगा, देखो स्टेप फोर कैसा आएगा, एकदम इजी है। स्टेप फोर लिखने का, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड लिखने का ए इज ग्रेटर देन सी, तो कौन बड़ा लिखने का, ए बड़ा। आ रहेगा समझ में, आ रहेगा समझ में। उसके साथ में ऐसा और एक कंडीशन लिखने का नीचे, इफ ए सॉरी इफ बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, तो कौन बड़ा लिखेंगे दोस्तों, तो कौन बड़ा लिखेंगे, बी इज ग्रेटर, और एल्स सी इज ग्रेटर। मतलब पहला ए को ग्रेटर दिखाने का दोनों को चेक करके, फिर बी को दिखाने का दोनों को चेक करके, और फिर अगर मेरा ए भी नहीं बड़ा है, मेरा बी भी नहीं बड़ा है, मतलब मेरा कौन बड़ा है, सी बड़ा है। ये इस तरीके से लॉजिक जो है फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं। समझ में आया है कि आप लोगों को। इसके बाद में फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर का फ्लो चार्ट है हमारे पास में, प्राइम नंबर का है, तो मैं आपको प्राइम नंबर, फिबोनाची सीरीज, फैक्टोरियल वाले पहले प्रोग्राम सिखाऊंगा, उसके बाद में चाहिए तो हम लोग फ्लो चार्ट वाला देखेंगे। अभी बेसिक बेसिक जो है हमारा इवन ऑड का वगैरह जो फ्लो चार्ट है वो हम लोग देख सकते हैं। तो इवन ऑड में देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, इवन ऑड का फ्लो चार्ट, तो इसका शुरुआत कहां से होता है फ्रेंड्स, इसका शुरुआत होता है स्टार्ट से, एंड होता है स्टॉप से। रीड इनपुट, रीड स्लैश इनपुट द नंबर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेकंड स्टेप, डिक्लेयर अ वेरिएबल ए इन, उसके बाद में रीड द वैल्यू फॉर ए, तीसरा स्टेप जैसे बताया था मैंने, ठीक है। अब इसके बाद में क्या बोला, एन मॉड टू इक्वल इक्वल टू जीरो, मान के चलो, अच्छा एन मतलब जो मैंने यूजर से लिया, यूजर ने मान के चलो 10 नंबर दिया, उसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो 2 5 10 बचा रिमाइंडर 0। तो ये जो लॉजिक है ना, ये परसेंटेज सिंबल, एन के अंदर क्या है, एन के अंदर मान के चलो है 10 मॉड 2 करेंगे तो मेरे को ये रिमाइंडर वैल्यू देता है, और अगर 10 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो मेरे को ये 5 ये वैल्यू देता है। तो दोस्तों इसको एकदम ध्यान से और अच्छे से समझेंगे, कोई भी नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं और रिमाइंडर 0 आता है तो उसको इवन नंबर बोलते हैं, ये आप सब लोगों को पता है। कोई भी नंबर को अगर मैं डिवाइड करता हूं 2 से और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो उसको इवन नंबर बोलते हैं। तो रिमाइंडर सर कैसा फाइंड आउट करें, आप फाइंड आउट कर सकते हो ये परसेंटेज का जो सिंबल है, इसको एक्चुअली प्रोग्रामिंग में मॉड्यूलस कहते हैं या मॉड ऑपरेटर कहते हैं। तो ये मॉड ऑपरेटर के मदद से आप क्या कर सकते हो, रिमाइंडर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। और ये जो इक्वल टू जीरो यहाँ पे लिखा है ना, इक्वल टू जीरो, नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस। जब मैं बोलता हूँ ए इज इक्वल टू 5, दैट मींस आई एम असाइनिंग दिस 5 वैल्यू टू ए। अब जब मैं बोलता हूँ ए इज इक्वल टू 5, दैट मींस व्हाट, मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई ए का वैल्यू और 5 ये दोनों सेम है क्या, अगर ये दोनों सेम है तो ट्रू देगा, नहीं तो वो फॉल्स देगा। वैसे यहाँ पे मैंने क्या चेक किया, इफ एन मॉड 2, एन के अंदर क्या है, वैल्यू जो यूजर ने दिया, तो जो भी वैल्यू यूजर ने दिया अगर उसका उसको 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 आया, दैट मींस वो क्या है, इवन नंबर। नहीं तो एल्स में क्या लिखेंगे, नंबर इज ऑड, और फिर बोलेंगे डिस्प्ले आउटपुट और स्टॉप। ये आपका बेसिक इवन ऑड का सॉरी एल्गोरिदम है। इसका प्रोग्राम भी मैंने लेक्चर नंबर 2 में करवाया था। तो अगर आपको ये बेसिक समझ में आया, ये बेसिक समझ में आया है, इवन ऑड का फ्लो चार्ट सॉरी एल्गोरिदम समझ में आया है, तो टाइप ए फॉर एल्गोरिदम, प्लीज टाइप ए फॉर एल्गोरिदम इन द चैट बॉक्स, प्लीज टाइप ए फॉर एल्गोरिदम इन द चैट बॉक्स।